झालावाड़ एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान झालावाड़ की जिलाध्यक्ष मीना पारेता ने बताया कि राजस्थान सरकार ने ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर के प्रमोशन सूची वर्षों के इंतजार के बाद आज जारी की है, जिसमें एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान में खुशी की लहर छाई हुई है। उन्होंने पूरी टीम की तरफ से राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट किया है, क्योंकि एएनएम में एलएचबी और एलएचबी से बीएचएस और बीएचएस से डीएचएस की प्रमोशन हुआ करते थे, जो कि वर्षों से अटके पड़े हैं, और एलएचबी भी पाते वेतन पर काम कर रही है और सरकार ने ब्लॉक सुपरवाइजर की पोस्ट को संविदा पर देकर एक तरह से एएनएम का हक छीन लिया था, जो वर्षों बाद आज हमको मिला है। उसके लिए एलएचबी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान ने हर्ष का दिन है। उन्होंने इस दिन को राजस्थान सरकार का धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए खुशियों से मिठाई के साथ मनाया और राजस्थान सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। पहली बार महिला संगठन की एक मांग पूरी हुई है, इसलिए एलएचबी एएनएम और संघ ऑफ राजस्थान सरकार का सदैव आभारी रहेगी। राजस्थान जिलाध्यक्ष मीना पारेता ने बताया कि जो भी संविदा नर्सेज है उनको राजस्थान सरकार को भर्ती में संख्या बढ़ाकर उनके बरसों को इंतजार को खत्म कर देना है, क्योंकि उनका मानदेय वेतन इतना कम है कि गृहस्थी जीवन को जीना इस महंगाई में बहुत मुश्किल हो रहा है। राजस्थान सरकार को संविदा नर्सेज की तरफ से भी ध्यान देना चाहिए, समान काम समान दाम के तहत उनका वेतन और उनको स्थायी कर देना चाहिए। संविदा एक अभिशाप है। आज राजस्थान झालावाड़ की पूरी टीम की तरफ से हम राजस्थान सरकार का बीएचएस की पोस्ट की लिस्ट जारी करने पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बीएचएस की पोस्ट हमारी एनएम एलएचयू बहनों के प्रमोशन वाली पोस्ट थी। एनएम से एलएचयू, एलएचयू से बीएचएस और बीएचएस से डीएचएस प्रमोशन पोस्ट एनएम की हुआ करती थी, जो कि सरकार ने संविदा पे दे दी थी। इतने वर्षों से हमारे एनएम बहनों के प्रमोशन रुके हुए हैं, इसलिए हम आज राजस्थान सरकार का संपूर्ण बहने संघ की तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारी इस पोस्ट को हमें दिया, हमारा हक हमें दिया। राजस्थान